अब चलते हैं सीधे कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर विवादों के बाद राहुल गांधी की यात्रा आज से फिर शुरू हो गई है। यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा। अच्छा आप शांत हो जाएं, एक सेकंड शांत हो जाएं। आप सब यहाँ आए, हमारी बात सुनने आए, भैया पीछे, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूँ। पिछले साल हमने भारत को जोड़ने की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की थी। नफरत के बाजार में बीजेपी आरएसएस के लोग एक दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरे प्रदेश से लड़ाते हैं, दूसरे भाषा से लड़ाते हैं, दूसरे प्रदेश से। हम जोड़ने का काम करते हैं, वो नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत फैलाते हैं। हमने पिछली यात्रा में लाखों लोगों से बात की, सारे लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान में नफरत नहीं काम करती है, हिंदुस्तान में मोहब्बत काम करती है। ये मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं है। अगर चुने हुए लोग हैं बीजेपी के, नफरत भरे लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, और यहाँ पे आपके चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके दिल में पूरी दुनिया से नफरत है। वो सुबह उठते हैं और उनके दिल में से नफरत निकलती है, तो लड़ाई उनसे नहीं है, लड़ाई उनके दिल में जो नफरत है उससे है। आप जानते हो कि नफरत को भैया भाई थोड़ा कमजोर है, मेरी मदद करो थोड़ी, जानते हो तो नफरत को नफरत कभी नहीं काट सकती। अगर आप अगर किसी ने आपको कुछ गलत बोला और आपने उसको कल कुछ गलत बोला, फिर वो फिर से आपको गलत बोलेगा, फिर आप बोलोगे, फिर वो बोलेगा। नफरत को सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। और एक और बात समझिए, नफरत के पीछे डर छुपा होता है। बात समझ आई? नफरत के पीछे डर छुपा होता है, तो ये लोग देश में डर और नफरत फैलाते हैं। हमारा काम दो नारे है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, और दूसरा नारा डरो मत, डरो मत, किसी से नहीं डरो, डरो मत, चाहे छुट्टी हो जाए डरो मत। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आसाम में, थोड़ा सा आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपके चीफ मिनिस्टर 24 घंटा नफरत फैलाते हैं, डर फैलाते हैं, मगर बात वहां नहीं रुकती है। जैसे आप जैसे आसाम में नफरत फैलती है, डर फैलता है, आपके चीफ मिनिस्टर आपकी जमीन चोरी कर लेते हैं। आप पान खाओ, सुपारी का बिजनेस उसके अंदर उनका। आप सुबह उठो, वो नफरत फैलाते हैं, और जब आप इधर उधर देखते हो, आपके जेब में से खट पैसा निकल जाता है। तो ये इनका काम है, देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर। ठीक है, काजीरंगा में जमीन ले ली,
अब आप वहाँ पे काजीरंगा जाओगे, राइनो देखने जाओगे, पता लगेगा जी जी। चीफ मिनिस्टर की पूरी वहाँ पे जमीन। शाम को पान खाओगे, पता लगेगा भैया चीफ मिनिस्टर का पान है। मीडिया देखोगे, टीवी देखोगे, टीवी के पीछे चीफ मिनिस्टर। तो जो भी आपको टीवी वाले मीडिया वाले बता रहे हैं, वही बता रहे हैं जो असम का चीफ मिनिस्टर चाहता है। अच्छा, असम का चीफ मिनिस्टर, असम के चीफ मिनिस्टर का कंट्रोल किसके हाथ में? नहीं भाई, अमित शाह के हाथ में, अमित शाह के हाथ में। तो अगर इसने चू भी कहा, अमित शाह के खिलाफ चू भी कहा इसको, इसने इसको दो मिनट में लात मार के भगा देंगे। तो बात समझो, असम को असम नहीं चला रहा। गोगोई जी चीफ मिनिस्टर थे, जो असम चाहता था गोगोई जी करते थे। हमने कभी नहीं कहा, हमने गोगोई जी को, गोगोई जी हमारे गुरु थे, हमने कभी नहीं कहा गोगोई जी आप ये करोगे, आप वो करोगे, आप ऐसे करोगे, आप ये करोगे, कभी नहीं कहा, जिंदगी में नहीं कहा। और किसी कांग्रेस के दिल्ली के नेता ने नहीं कहा, क्योंकि हम चाहते हैं कि असम असम से चले। अब ये लोग, अमित शाह आरएसएस करना क्या चाहती है आपको ये समझना है। ये मुझे गमछा दो, ये गमछा, ये क्या है? ये गमछा नहीं है, ये असम का चिन्ह है, ये असम की हिस्ट्री का चिन्ह है, ये असमी भाषा का रक्षक है, ये आपका स्वाभिमान है, ये इसका अपमान कर रहे हैं। जब अमित शाह फोन लगाता है और कहता है ए हेमंतो, कल तुम्हें ये करना होगा, और हेमंतो कहता है हां जी साहब, मैं ये कल सुबह कर दूंगा, तो ये इसका अपमान हो रहा है, असम का अपमान हो रहा है। और बीजेपी करना क्या चाहती है, आरएसएस करना क्या चाहती है, ये भी समझ लो। आपकी जो भाषा है, आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो हिस्ट्री है, इसको मिटाना चाहती है। जो आपके पूर्वजों ने कहा, जो उन्होंने आपको सिखाया, उसको मिटाना चाहती है और असम को नागपुर से चलाना चाहती है। हम ये कभी नहीं होने देंगे, हम ये होने नहीं देंगे। असम को असम से चलाया जाएगा और इस गमछे की इज्जत होगी। ये मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं। यात्रा मणिपुर से शुरू हुई। मणिपुर से क्यों शुरू हुई? क्योंकि बीजेपी की विचारधारा ने, आरएसएस की विचारधारा ने मणिपुर को जला दिया। आज तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गया। 6-7 महीने हो गए, लोग मरे हैं, गांव के गांव जल गए हैं, प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। मणिपुर से अरुणाचल, अरुणाचल से नागालैंड, नागालैंड से असम, असम से बंगाल, बंगाल से उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तक। और हम एक ही चीज कह रहे हैं, ये देश मोहब्बत का देश है, ये देश मोहब्बत से आगे जाएगा, नफरत से किसी का फायदा नहीं होने वाला है, हिंसा से किसी का फायदा नहीं होने वाला है। आप आए, आपने मेरी बात सुनी, और जो मैसेज मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको फैलाओगे, आप अपने भाई बहनों से कहोगे, दोस्तों से कहोगे, नफरत से कुछ नहीं होगा, मोहब्बत से काम चलेगा, किसी से डरना नहीं है। और हेमंतो HBS जिसको कहते हैं, उसका कंट्रोलर दिल्ली में बैठा है,
और वो देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर है। अब पता नहीं कहां से इसके दिमाग में आइडिया आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकता। जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं नहीं डरता। मैं बीजेपी से नहीं डरता, मैं आरएसएस से नहीं डरता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने केस लगाए, 24 लगाए, 25 लगाए, 25 और लगा दो, लो मजे लो। मैं बताऊं आपको एक बात बताता हूं। एक दिन आए मेरे पास, केस लगा दिया, केस हरवा दिया। मैंने अदानी के बारे में एक भाषण दे दिया पार्लियामेंट में, देखा होगा आपने, अदानी जी के बारे में भाषण दे दिया। और मोदी जी के खास दोस्त हैं, दोस्ती है, तो उन्होंने कहा भाई दोस्त को तो बचाना पड़ेगा, मेरे ऊपर केस लगा दिया, पार्लियामेंट से निकाल दिया। कहा कि भैया राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दो, कर दी। फिर मेरा घर ले लिया, सरकारी घर है, घर ले लिया। जब वो घर लेने आए, मैंने खुशी से उनको चाबी ली और कहा देखो भैया ये तुम्हारा घर है, मुझे ये घर नहीं चाहिए, उठा के ले जा। मेरा घर पता कहाँ है? मेरा घर हिंदुस्तान के हर नागरिक के दिल में है। मुझे तुम्हारे घर की जरूरत नहीं है। मेरे असम में लाखों घर हैं, मेरे ओडिशा में लाखों घर हैं, मेरे उत्तर प्रदेश में लाखों घर हैं। मुझे घर की कोई जरूरत नहीं। आपने इतना प्यार दिया, इसके लिए दिल से आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।